जो कि है लेट्स डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम आवर कोच? क्या आपने कोई गेम सीखा है कोच से? विच वन, कौन सा गेम? तो मेरा आंसर है नो, आई हैव नॉट लर्नड एनी गेम फ्रॉम द कोचेस। नहीं, मैंने कोई भी गेम नहीं सीखा है कोचेस से। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनी वन हु लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच? क्या आप किसी को जानते हैं जो कि कोच से जो गेम है वो सीखा है? तो मेरा आंसर है नो, आई डोंट नो एनी वन हु लर्नड गेम फ्रॉम कोच। नहीं, मैंने किसी को नहीं जानती हूँ मैं जो कोच से गेम सीखा है। तीसरा क्वेश्चन है, ही डज अ कोच हैच? क्या वो कोच हैच है? हाउ डज अ कोच मेक प्लेयर प्रैक्टिस? कैसे जो कोच होता है वो प्लेयर का प्रैक्टिस करवाता है? तो आंसर है, अ कोच टीचेस द रूल एंड ट्रिक टू प्ले अ गेम परफेक्टली। जो कोच होता है वो रूल और ट्रिक बताता है जिससे जो गेम है वो परफेक्टली खेले। ही गाइड द प्लेयर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। वो प्लेयर को गाइड करते हैं कोचेस जिससे जो परफॉर्मेंस है प्लेयर का वो और इम्प्रूव हो। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर हैव टू वर्क? कितना वर्क करना पड़ता होगा, हार्ड वर्क प्लेयर को, सोचिए। तो आंसर है, द प्लेयर हैव टू वर्क वेरी हार्ड। जो प्लेयर होते हैं उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उन्हें सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है एंड वर्क फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और उन्हें बहुत देर तक काम भी करना पड़ता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रेन टू प्ले खो खो। ऐसा इमेजिन कीजिए जैसे जो 15 चिल्ड्रेन है वो खो खो खेल रहे हैं, ठीक है। अब लिखा है, they must form two team with equal number, 7 each, और वो दो टीम बना रहे हैं each number से, और वो number कौन सा है, 7। और अगर हम 7 को add करेंगे 2 times तो कितना answer आएगा? Answer आएगा 14। और यहाँ पे children कितने हैं? यहाँ पे children है 15। तो एक जो player है वो क्या game से निकल जाएगा? What will you do? तो आप क्या करोगे? आंसर है, I will make two team with 7 players each. मैं दो टीम बनाऊंगी 7 players से दोनों में। One player is the extra player, और जो एक player होगा वो extra player होगा। The extra player will be referee, और जो extra player होगा वो referee होगा। अब जो extra player होगा वो क्या काम करेगा? मान लीजिए एक टीम में जो एक प्लेयर है उसकी तबीयत खराब हो गई, चाहे उसे कुछ हो गया, तो जो एक्स्ट्रा प्लेयर होगा वो उसकी जगह खेलेगा, उसके लिए वो खेलेगा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मेडल? राइट अबाउट दिस। क्या आप एक्स्ट्रा पर्सन बने हैं, इसके बारे में लिखिए। मेरा आंसर है, यस आई हैव बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडिल ऑफ अ फुटबॉल मैच। हाँ, मैं एक एक्स्ट्रा पर्सन हुई हूँ फुटबॉल मैच में। एवरी गेम हैज सम रूल्स। सारे गेम में कुछ रूल्स होते हैं। द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल, और वो गेम उन रूल के अकॉर्डिंग ही खेला जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंड इफ द रूल आर चेंज। अब हम ये देखते हैं कि अगर जो रूल है वो चेंज हो जाएगा तो क्या होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट, जैसे एग्जाम्पल में क्रिकेट, बैट्समैन गेट आउट। जो बैट्समैन होता है वो आउट हो जाता है इफ द बॉल फॉल ऑफ द स्टंप। अगर जो बॉल है वो स्टंप को गिरा देगा तो। इमेजिन इफ देयर इज अ रूल दैट द एंटायर टीम विल आउट इफ ऑल द 3 स्टंप फॉल। तो ऐसा सोचिए, जो दूसरी टीम होगी वो आउट हो जाएगी अगर तीनों जो स्टंप है वो गिर जाएंगे तो। वुड इट बी फन? क्या इसमें बहुत मजा आएगा? आंसर है,
यस इट वुड बी फन, हाँ इसमें बहुत मजा आएगा टू प्ले क्रिकेट विद न्यू रूल्स, क्रिकेट खेलने में न्यू रूल्स के साथ। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है, और ये जो हम लोग का पूरा चैप्टर है तो ये भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।